इंतकाम अब मेरे हाथों में है। नहीं हेलीकॉप्टर से भागने वाले शैतान का पीछा करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पूरी टीम आती ही होगी। जब तक टीम यहाँ पहुँचेगी, हैरी और नॉर्मन का भरता बन चुका होगा। मैं इसे अकेले ही मारने के लिए काफी हूँ। तुम अकेले उसे कैसे मारोगे? इस शहर में वो अकेला बहरूपिया नहीं है। भीक मांगो आसमान, भीक मांगो दया की, जो तुमने मुझ पर कभी नहीं की। उसे छोड़ दो, इससे हैरी का कोई लेना देना नहीं। अब है नॉर्मन। ऑटो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। दुर्घटना के बाद मैंने तुम्हें बताया था, मैंने वो मशीन बनाई जिससे मैं गुलाम बना। फिर तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा ताकि मेरे बारे में किसी को पता न चले, पालतू जानवर जैसा। और फिर तुमने मुझे तबाह करने की कोशिश की। तुम्हारे साथ वही करूंगा। अपने गंदे हाथ उनसे दूर रखो, और हैरी से भी। तुम अकेले नहीं हो जिसने खास कवच पहन रखा है। हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। क्या डायलॉग है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, ये कवच इतना अच्छा है और अब तक किसी ने इसकी तारीफ नहीं की, तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ये आयरन स्पाइडर कवच है, मस्त मस्त जबरदस्त। और अब वापस मैदान में। इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे ही जाल में लटकाऊंगा। क्या कह रहे हो? वैसे तुम जैसा सोच रहे हो वैसे दूसरे खलनायक भी सोचते होंगे। ठीक है, मूर्ख बनते रहो। वैसे भी तुम आसमान के हाथों मूर्ख बनते चले आ रहे हो। उसकी बात मत सुनो स्पाइडरमैन, वो सिर फिरा है। इसने तुम्हें इतनी तकलीफें दी, फिर भी तुम इसकी सुरक्षा कर रहे हो। भूल गए वो तुम पर हुए हमले, वो गद्दारी। बातें तो सिर्फ उसकी सुननी चाहिए जो लोहे के फेफड़ों वाले ऑक्टोपस कवच में रहता है ना? मैं आसमान के लिए काम करता हूँ। हम दोनों ने मिलकर तुम पर हमले किए थे, तुम्हारे सांसों को जानने और सीखने के लिए। तुम झूठे हो। जल्दी हैरी को बाहर ले जाइए। मिस्टर ऑसबॉर्न, ये जो भी बकवास कर रहा है क्या वो सच है? ये आदमी सिर्फ फिरा ही नहीं, झूठा भी है। तुमने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है कि मैं कह नहीं सकता। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो स्पाइडरमैन, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे बेटे की कसम खाता हूँ। सही, ये मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं? मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। ओह नहीं, मकड़ी घंटी। अपने दिमाग का हर पुर्जा इस्तेमाल करो स्पाइडरमैन, इस आदमी की हर बात झूठी है। मेरा आर्क रिएक्टर, इसे क्या हो रहा है? तुमने क्या कर दिया? मेरे सेलफोन को भी कभी कभी ऐसा होता है, तुम इसे रिचार्ज करना भूल गए ना? शायद नहीं भूले। अब तुम्हारा ये खेल। आने में बड़ी देरी कर दी। माफ करना, उन खटमलों से निपटते निपटते थोड़ी सी देर हो गई। ऑक्टोबॉट्स, ये आग रिएक्टर रिपावर क्यों नहीं हो रहा? इसे खुद ब खुद चलना चाहिए। मैंने इसे बिल्कुल